अरे भाई, अगर आप वृंदावन टूर करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देख लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे वृंदावन को, कहां आपको रुकना चाहिए, अच्छी धर्मशालाएं कहां पर हैं, वृंदावन को घूमने का सही तरीका क्या है, कहां से शुरुआत करनी चाहिए और कहां पर अंत करना चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा, कैसे उसको मैनेज करना है और कितना खर्चा आएगा, और अब आप वृंदावन में पैराग्लाइडिंग कहाँ कर सकते हैं, कितना उसका चार्जेस है, प्लस रहने खाने की सारी व्यवस्थाओं के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि वृंदावन पहुंचना कैसे है। देखिए, अगर आप वृंदावन से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं तो आप बाई फ्लाइट आगरा तक आ सकते हैं। आगरा से 75 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन स्थित है। बाई ट्रेन आप मथुरा तक आ सकते हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी 15 किलोमीटर रहती है। मथुरा से आपको ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी, वृंदावन तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से आप मथुरा तक आ सकते हैं और मथुरा से बाई ऑटो वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब हम देखते हैं तो दिल्ली से कुछ बस डायरेक्ट वृंदावन तक हमें ऑनलाइन देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन ये वो बस हैं जो आपको यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पर ड्रॉप करती हैं और वहाँ से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर रह जाता है वृंदावन, जिसके लिए आपको वहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। आप चाहें तो ऐसे भी आ सकते हैं। बेस्ट है आप मथुरा आ जाइए, और मथुरा तक पहुँचने की कुछ बसेस की मैंने टाइमिंग वगैरह स्क्रीन पर दिखाई है। आप ये दिल्ली से टाइमिंग है, दिल्ली से ये बसेस चलती हैं, इनकी किराए भी आप देख सकते हैं। आप मथुरा तक आ सकते हैं, चाहें तो उस दिन मथुरा में घूम लीजिए और शाम को वृंदावन पहुँच जाइए, और आप चाहें तो डायरेक्ट मथुरा से ऑटो रिक्शा लेकर वृंदावन पहुंच जाइए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है वृंदावन पहुंचने का। अपनी कार या रेंटल टैक्सी अगर आप लाना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि वृंदावन में अपनी कार या टैक्सी लाने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको हर मंदिर के आसपास पार्किंग में ही उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाएगा पार्किंग में। और ज्यादातर वृंदावन में जो घूमना होता है, जो मंदिरों में दर्शन हम करते हैं, वो पैदल ही करने होते हैं, क्योंकि वृंदावन की कुंज गलियों से हमें निकलकर बहुत से अलग अलग 8 से 10 जगहों पर जाते हैं जहां कार ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में कार लाना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है वृंदावन का। घूमना कैसे है वो सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो से भी जुड़े रहिएगा। बाकी चॉइस आपकी है, आप चाहे तो कार लेकर भी आ सकते हैं। दूसरी बात, वृंदावन अगर आप आते हैं तो कम से कम एक रात का स्टे जरूर करिएगा, क्योंकि वृंदावन को घूमने का सही तरीका ही ये है, कम से कम एक रात जरूर रुकिएगा। तरीका पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं कि किस समय वृंदावन पहुंचना बेस्ट होगा, यानी टाइम, पूरे दिन में आप किस समय वृंदावन पहुंचे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर आप वृंदावन से 250 या 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर हैं तो आप सुबह में 5 या 6 बजे अपने घर से चलें और आसानी से आप बाय रोड या बाय ट्रेन 12 बजे तक मथुरा पहुंच जाएंगे। फिर आधे घंटे में मथुरा से वृंदावन तक आ सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा दूरी पर स्थित हैं तो इस हिसाब से घर से निकलिए कि 11-12 बजे तक आप मथुरा पहुंच जाएं। अगर आप मथुरा को भी कवर करना चाहते हैं तो आप डे फर्स्ट में मथुरा को कवर कर लें और शाम तक वृंदावन पहुंच जाइए। ये चॉइस आपकी है, कैसे आप करना चाहते हैं। वैसे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन की कंप्लीट टूर की एक वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। उसमें पूरे टूर को 3 से 4 दिन में आपको कैसे मैनेज करना है सब बताया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं वृंदावन टूर की बात कर रहा हूं। देखिए, आप दोपहर में 12 या 1 बजे के आसपास वृंदावन पहुंच चुके होंगे, तो इस समय सभी मंदिर क्लोज रहते हैं और ये समय होता है लंच का। वृंदावन में आप पहले लंच कीजिए, उसके बाद आपको आराम करना होगा। आराम करने के लिए आपको चाहिए होटल या धर्मशाला। चलिए तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि बेस्ट होटल या बेस्ट धर्मशाला कौन सी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको वृंदावन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वृंदावन अब काफी दूरी तक फैल चुका है, तो आपको यह पहले तय करना होगा कि आपको कहाँ रुकना है, वृंदावन के किस साइड में, किस एरिया में रुकना है। जैसे आप प्रेम मंदिर या इस्कॉन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो वो एक साइड हो जाती है, या फिर आप रंगनाथ जी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन या राधा दामोदर मंदिर साइड में रुकना चाहते हैं तो ये दूसरी साइड हो जाती है। ये जो दूसरी साइड है यही पुराना वृंदावन है। प्रेम मंदिर की साइड जितना भी वृंदावन बसाया गया है वो नया है। वहां पर आपको प्राइवेट होटल्स वगैरह के भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बांके बिहारी मंदिर साइड अगर रुकते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 जगह ऐसी हैं जिनको आप इजीली पैदल ही कवर कर सकते हो। ये साइड ज्यादा बेस्ट रहती है।
हैं। इस साइड में रुकने के आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप भारत सेवा आश्रम संघ में स्टे कर। इस धर्मशाला में चेक इन और चेकआउट टाइम 12 बजे ही रहता है। फूड फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है, पार्किंग की भी सुविधा है, सीसीटीवी से लेस है ये धर्मशाला। यहाँ रूम की बात करूँ तो 2-बेडेड कूलर रूम 500 रुपए में मिल जाता है, 2-बेड नॉन एसी रूम 400 रुपए में मिल जाता है, 3-बेड एसी रूम मात्र 800 रुपए में मिल जाएगा। और बांके बिहारी टेम्पल से मात्र 700 मीटर और मेन बस स्टैंड से भी करीब 550 मीटर के ही डिस्टेंस पर स्थित है ये धर्मशाला, सबसे बेस्ट। इन सब के अलावा वृंदावन का जो मेन बस स्टैंड है उसके पास एक धर्मशाला है रमन वाटिका नाम से। इसको धर्मशाला कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, या फिर एक मैरिज होम जैसा इसको समझ लीजिए। इसमें कुछ रूम भी अवेलेबल हैं, यहाँ आप बुकिंग कर सकते हैं। 400 से 500 रुपये आपको पे करना होगा और आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, आपको ऑन द स्पॉट जाकर ही बुक करना होगा। नाम है रमन वाटिका, वृंदावन के मेन बस स्टैंड के पास में ही है। मैंने पर्सनली भी यहाँ पे स्टे किया था, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रह जाता है अगर आप धर्मशाला में स्टे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से भी बांके बिहारी मंदिर का डिस्टेंस मात्र 500 से 700 मीटर ही रह जाता है। बाकी रंगनाथ जी मंदिर, निधिवन, राधा दामोदर मंदिर, राधा बल्लभ मंदिर, गोविंद मंदिर, सब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। दूसरी साइड है प्रेम मंदिर की तरफ आप रुक जाइए। प्रेम मंदिर साइड रुकते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है मेरे हिसाब से, तो बांके बिहारी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर के पास रुकना ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्यों रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को बनाने में। प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। देखिए, अगर आप 1 बजे वृंदावन पहुंचकर आश्रम में या धर्मशाला में या होटल में रूम लेकर आराम कर लीजिए, आपको 3-3.5 बजे तक वहां आराम करना है या हार्डली 4 बजे तक वहां आराम कीजिए, उसके बाद आप अपने रूम में अपना लगेज छोड़िए और बाहर आ जाइए। वहां से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, मेन रोड से आप ऑटो रिक्शा लीजिए सीधा वैष्णो देवी मंदिर के लिए। वृंदावन में वैष्णो देवी मंदिर, प्रेम मंदिर और एस्कॉन टेम्पल तीनों एक ही रोड पर कुछ कुछ दूरी पर स्थित हैं। एस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर की दूरी तो बिल्कुल नहीं है ना के बराबर, लगभग बराबर बराबर है, थोड़े ही डिस्टेंस पर है। लेकिन प्रेम मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर थोड़ी दूरी पर स्थित है, तो पहले आपको वृंदावन से वैष्णो देवी मंदिर पहुंचना होगा। वैष्णो देवी मंदिर शाम को 4 बजे खुल जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो 20 से 30 रुपए चार्ज करते हैं वहां तक पहुंचने के। अगर 4 बजे आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप इजीली वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर बेहद खूबसूरत है, मंदिर के ठीक सामने ही कार पार्किंग है, 50 रुपए वहां पार्किंग शुल्क लगता है अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो। लेकिन मेरे हिसाब से वो अच्छा ऑप्शन नहीं रहता है सिर्फ वृंदावन अगर आप घूमना चाहते हैं तो। उसके बाद आधा घंटा आपको वैष्णो देवी मंदिर में लगने वाला है, उसके बाद आप वैष्णो देवी मंदिर से वापस प्रेम मंदिर की तरफ आ जाइए। 10 से 15 रुपए बैटरी रिक्शा वाला वहां से चार्ज करेगा प्रेम मंदिर तक। कोशिश कीजिए कि प्रेम मंदिर आप तब पहुंचे जब दिन ढल चुका हो और अंधेरा हो चुका हो, क्योंकि प्रेम मंदिर में घूमने का सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव रात को ही रहता है। अंधेरा होने के बाद वहां पर बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे प्रेम मंदिर में जो लाइट सिस्टम है मंदिर का वो बहुत खूबसूरत है, वो रात में ही अच्छा लगता है। दूसरा जो फाउंटेन शो होता है प्रेम मंदिर में वो भी रात में ही एक्टिव होता है, तो वो आप देख सकते हैं नाइट। बाकी प्रेम मंदिर का जो लाइटिंग अरेंजमेंट है, जो वो खूबसूरती रात में हम देख पाते हैं, वो दिन में हम नहीं देख सकते हैं। पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्रेम मंदिर आप तब पहुंचें जब रात हो चुकी, जब अंधेरा हो चुका हो, जब दिन छिप चुका हो। तो पहले वैष्णो देवी मंदिर पहुंचिए, और आपको 4 बजे वैष्णो देवी मंदिर आने की जरूरत नहीं है, 5 बजे या उसके बाद भी आ सकते हैं। तो आधा एक घंटा उसमें घूमने के बाद आप वापस प्रेम मंदिर की तरफ आ जाइए और प्रेम मंदिर घूम लीजिए। प्रेम मंदिर में आप आसानी से 1 या 1.5 घंटा बिता सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपका प्रेम मंदिर में घूमने का। प्रेम मंदिर में घूमने के बाद आप चाहे तो एस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, उसके बराबर में ही स्थित है, थोड़ी सी दूरी पर स्थित है, कह लीजिए बराबर नहीं तो 200 मीटर के डिस्टेंस पर ही स्थित है, वहाँ चले जाइए, वो भी एक अच्छा अनुभव रहता है। ऐसे अंग्रेजों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से अंग्रेज लोग देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी एक खास बात है इस पूरे मार्केट की, यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत कम दाम में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ का रोड साइड जो फूड है, जो स्ट्रीट फूड है, वो भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत लोग वो उस फूड को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर आप उस रात का डिनर एंजॉय कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। प्रेम मंदिर साइड का जो एरिया है वो आपको नाइट में कवर करना है, रात को 8:30 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप 5 बजे तक यहाँ आइए, जो 5 बजे से
8-8:30 बजे तक इन तीनों मंदिरों को देख सकते हैं। इसके अलावा एक मंदिर यहाँ पर है प्रियकांत चू, उस मंदिर को भी आप जा सकते हैं, जो कमल के फूल की आकार में मंदिर को बनाया गया है, वो मंदिर भी आप जरूर देख सकते हैं। इन चारों मंदिरों को आप आसानी से 2.5-3 घंटे में इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस अपनी होटल या धर्मशाला की ओर, पुराने वृंदावन की ओर चले जाइए। नाइट स्टे वृंदावन में आपको करना है। नाइट में रुकने का कारण यही था ताकि आप प्रेम मंदिर को अपने खूबसूरत रूप में देख पाए। नाइट स्टे वृंदावन करने के बाद मॉर्निंग में आप जितना जल्दी उठ जाएं उतना अच्छा है, ब्रेकफास्ट कीजिए और 8 बजे के आसपास सारे मंदिर वृंदावन के खुल जाते हैं। तो अब आपकी पद यात्रा शुरू होती है और ये पद यात्रा बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हार्डली 2-2.5 किलोमीटर के पद यात्रा में आप वृंदावन की 8-10 खास खास जगहों को घूम पाएंगे। कौन कौन सी वो जगहें, चलिए वो बताते हैं। आप रंगनाथ जी मंदिर जा सकते हैं, जैसे सोने के खंबे के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर एक शीश महल भी है जिसमें 5-10 रुपए का टिकट बनता है। आप शीश महल को भी देखने जा सकते हैं। ये मंदिर भी बेहद खूबसूरत है, बेहद प्राचीन मंदिर है, यहाँ जरूर जाइए। अभी मैं वृंदावन के रंगजी मंदिर में मौजूद हूँ, जिसमें सोने का खंबा स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये सोने का खंबा है और ये है सोने का खंबा। बहुत प्राचीन ये मंदिर है, आप भी इस मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए। उससे थोड़ा पास में ही गोविंद जी मंदिर है, जिसे भूतों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वो भी अपने आप में बहुत खास है। ये जितने भी मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इन मंदिरों के आसपास अगर आप अपना होटल या धर्मशाला लेते हैं तो अपना सारा लगेज होटल में रखने के बाद इन सभी साइट्स को मॉर्निंग में विजिट कर सकते हैं। अब बांके बिहारी मंदिर जाइएगा। बांके बिहारी मंदिर के ठीक मंदिर के पास तो कार वगैरह नहीं जाती है, लेकिन उससे कुछ पहले एक जगह है जहां तक कार जाती है, लेकिन वहां भी आपको कार का पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वृंदावन की कुंज गलियों से जाइए। कुंज गलियां वृंदावन की बेहद खास है। बेहद छोटी छोटी पतली पतली गलियों से निकलकर आपको मंदिरों तक जाना होगा। रास्ते में वहाँ की लोकल शॉप वालों से आप पूछ सकते हैं कि किस रास्ते से हमें जाना चाहिए। वो एक्सपीरियंस सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बहुत शॉर्टकट रास्ते होते हैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के। और इस तरह से घूमने वाले आप अकेले नहीं होंगे, आप जैसे सैकड़ों हजारों लोग वृंदावन की इन्हीं कुंज गलियों से गुजरते हुए इन सभी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यही अनुभव वृंदावन का सबसे खास है। आपको किसी भी तरह से ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के बाद आप राधा वल्लभ मंदिर चले जाइए, वो भी जस्ट पास में ही है। वही वृंदावन की कुंज गलियों से घूमते हुए आप आगे निकुंज बन जाएंगे, सेवा कुंज के नाम से भी जिसे जाना जाता है। फिर इन्हीं गलियों से घूमते हुए आप श्री राधा दामोदर मंदिर जाएंगे और इन्हीं वृंदावन की कुंज गलियों से आप शाहजी मंदिर और उसके बाद निधिवन तक जाएंगे। तो ये जो 8-9 पॉइंट है, ये आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही कवर कर सकते हैं। और इन सब जगहों को कवर करने में आप टोटल हार्डली 2-2.5 किलोमीटर ही पैदल चल पाएंगे। तो इस तरह से आपको वृंदावन के ये 8-10 पॉइंट पैदल ही कवर कर सकते हैं। आपको ना तो ई रिक्शा लेने की जरूरत है, ना ही आपको बाइक रेंट पर लेने की जरूरत है। अगर आप बाइक रेंट पर लेते हैं तो बार बार मंदिर के बाहर आप बाइक कहाँ खड़ी करेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। और अगर बाइक में इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई स्क्रैच या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी पेनल्टी भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। तो बाइक एक अच्छा ऑप्शन नहीं है वृंदावन की इन कुंज गलियों में घूमने के लिए। 2-3 किलोमीटर आप पैदल वॉक कीजिए, बहुत इजीली आप सारे पॉइंट कवर कर पाएंगे। और इस पूरी यात्रा में आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी, ये गारंटी है, क्योंकि जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं बेहद ठंडी रहती हैं, क्योंकि पतली पतली गलियों में धूप बहुत कम आती है, तो टेम्परेचर यहाँ का थोड़ा लो ही रहता है। और आप बेहद अच्छा अनुभव लेंगे इन गलियों में घूमते वक्त। वृंदावन की इन कुंज गलियों में बांके बिहारी मंदिर और सभी मंदिरों के आसपास अच्छा खासा मार्केट भी है, जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं, प्रसाद खरीद सकते हैं और यहां पर खाने पीने की भी उचित व्यवस्था सभी मंदिरों के आसपास मौजूद है। इस पूरी 8-10 जगहों को कवर करने में आपको 4-5 घंटे का समय लगेगा मात्र। यही सबसे अच्छा, बेस्ट और सस्ता तरीका है वृंदावन को घूमने का। यही कारण था कि मैंने आपसे कहा कि आप पुराने वृंदावन यानी बांके बिहारी मंदिर या रंगनाथ जी मंदिर के आसपास धर्मशाला लेते हैं। तो लगेज धर्मशाला में रखिए और इन सभी 8-10 जगहों को सुबह 8-12 बजे के बीच में कवर कर सकते हैं। और वृंदावन के सभी होटल्स और धर्मशाला में चेकआउट टाइम भी 12 बजे ही रहता है। अब 12 बजे वापस आइए, सारा लगेज लेने के बाद चेकआउट कर दीजिए। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता वृंदावन को घूमने का। प्रेम मंदिर साइड अगर आप धर्मशाला लेते हैं तो आपको पुराने वृंदावन की इन चीजों को कवर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यही बेस्ट होता है पूरे वृंदावन को कवर करने का। बाकी वृंदावन से आप ब्रजवासी के पेड़े भी खरीद सकते हैं, बहुत फेमस यहाँ के पेड़े होते हैं, जिनके रेट 200-250 से स्टार्ट होकर 400 रुपए किलो तक रहता है। तो वो भी आप यहाँ जरूर अनुभव लें और घर भी साथ लेकर जाएं।
इसके अलावा आप वृंदावन में पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, अनबिलीवेबल चीज, वृंदावन में पैराग्लाइडिंग। वृंदावन बस स्टैंड से 6 किलोमीटर राया रोड पर आपको जाना होगा, जहाँ पर एक जगह है तेजस फ्लाई पावर्ड पैराग्लाइडिंग। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कराई जाती है, जिसका चार्जेस ऑनलाइन अगर आप चेक करेंगे इनकी वेबसाइट पर तो 2500 रुपये रखा गया है मिनिमम 5 मिनट राइड का, और 8 मिनट राइड का 3500 रुपये, वही 12 मिनट राइड का 6000 रुपये, और 20 मिनट राइड का 7000 रुपये। लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट आप इसको बुक करते हैं तो बहुत कम प्राइस में आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। हमने बात की थी तो उन्होंने बताया मात्र 1200 रुपये में हम 5 मिनट पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वृंदावन आने के बाद, आप चाहें तो कर सकते हैं। बजट की बात करें तो दिल्ली से कोई खास बजट वृंदावन में आपका खर्च नहीं होगा, अगर आप ट्रेन या बसेस को यूज करते हैं, वन नाइट स्टे करते हैं, खाना पीना आपका टोटल मिलाकर 1500-1600 के राउंड में एक आदमी बहुत आराम से पूरे वृंदावन को कवर कर सकता है मिनिमम बजट में। बहुत अच्छी यात्रा आप कर पाएंगे। पूरी ब्रजभूमि की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, तो उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। पूरी यात्रा को कैसे मैनेज करनी है सब उसमें बताया गया है। गोकुल की पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई गई है, गोकुल कैसे घूमना है वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बरसाना को कैसे घूमना है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी जरूर देखेगा। बाकी वृंदावन में जितनी भी मुख्य पॉइंट है, मुख्य जो जगह है जहाँ सभी लोग जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में कवर की है। इसके अलावा भी कोई सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जरूर जवाब दूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई सवाल है पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।